दोस्तों, डूबते वक्त टाइटैनिक के ऊपर जो म्यूजिशियन सवार थे उन्होंने आखिरी सांस तक एक गाना बजाया था। दोस्तों, 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर अटलांटिक महासागर में उतरा था। 2200 लोगों से भरा ये जहाज आइसबर्ग से टकराने पर 15 अप्रैल 1912 को समंदर में समा गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान ना उम्मीद हो चुके यात्रियों को शांत रखने के लिए जहाज पर मौजूद संगीतकार अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजा रहे थे। दरअसल टाइटैनिक पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए 8 म्यूजिशियन सवार थे जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते थे। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक विशाल हिमखंड से टकरा चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आठों कलाकार जहाज पर संगीत बजाते बजाते ही समुंदर में डूब गए। उस समय उन्होंने लगातार एक गाना बजाया जिसका नाम था नियरर माई गॉड टू दी। ये एक ईसाई भजन है जिसमें भगवान को याद किया जा रहा है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये टाइटैनिक से जुड़ा एक मिथक है। फिल्म में इंटेंस सीन बनाने के लिए इस गाने का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।